हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड ऑफ विद्या में। सबसे पहले हम जल्दी से 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग 15 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकेंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गाइंड्रोमॉर्फिज्म चिड़िया कितने साल बाद खोजी गई है। तो गाइंड्रोमॉर्फिज्म चिड़िया 64 साल बाद खोजी गई है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि गाइंड्रोमॉर्फिज्म चिड़िया कौन सी होती है तो आप लोग 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 15 दिसंबर को कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होने जा रहा है। तो याहू 15 दिसंबर को बंद होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक हुई है। तो जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवा मोर्टो को एक दिन के लिए किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो एवा मोर्टो को फिनलैंड का एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो निहाल सरीन ने 2020 का जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने विजयराजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजयराजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो शोएब मलिक T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बने हैं और विश्व के तीसरे बल्लेबाज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर 2020 को अमेरिका के उप विदेश मंत्री जो भारत यात्रा में दिल्ली पहुंचे हैं उनका नाम क्या है। तो स्टीफन बिगुन उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन ने कितने करोड़ गोबर के दीयों से दिवाली मनाने की बात कही है। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन ने 33 करोड़ गोबर के दीयों से दिवाली मनाने की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कांग्रेसी सदस्य ने अपना इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की है। तो खुशबू सुंदर ने कांग्रेसी सदस्य से अपना इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की है। अब हम लोग 15 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकेंगे उन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हर साल 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। मानकों का हर किसी के जीवन में काफ़ी महत्व तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी पुस्तक किसने लॉन्च की है। तो GBS सिंधु ने द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी पुस्तक लॉन्च की है। अब इस पुस्तक के बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो रिसर्च एंड एनालिसिस बिक के पूर्व खुफिया अधिकारी GBS सिंधु ने द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक में सिंधु ने खालिस्तान समर्थकों की भावनाओं और सिख चरमपंथ को जानबूझकर के साहित्य करने वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित किया है। इस पुस्तकों को हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च की है। तो हाल ही में हरियाणा राज्य की सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च की है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो हरियाणा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मल्टी पैरामीटर प्रणाली से लैस मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन को हरी झंडी दिखाई है। हरियाणा में पानी की गुणवत्ता मुख्य रूप से टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड फ्लोराइड नाइट्रेट आयरन और क्षारीयता जैसे घटकों से प्रभावित होती है और इसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण घरों तक नल का पानी पहुंचाना है और उसकी गुणवत्ता पर निगरानी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है। तो लॉस एंजल्स लेकर्स ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 जीती है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, किसको हराकर जीती है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 लॉस एंजल्स लेकर्स ने जीती है।
लॉस एंजल्स लेकर्स ने मियामी हीट को हराकर अपना 17वीं बार खिताब नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सफेम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 129वें स्थान पर रहा है। अच्छा, पहले स्थान पर कौन रहा है और CRI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो CRI की फुल फॉर्म है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, और इस इंडेक्स में भारत 129वें स्थान पर रहा है। भारत ऑक्सफेम इंटरनेशनल की CRI रैंकिंग में कुल 158 देशों में से 129वें स्थान पर रहा है, और इस सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है, और लास्ट, सबसे लास्ट कौन सा देश आया है, तो दक्षिण सूडान आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल राज्य डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य को पूरी तरह डिजिटल हाईटेक क्लासरूम में तब्दील करने वाला देश का पहला राज्य बनाया है। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन द्वारा केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड की वित्तीय सहायता से उच्च तकनीक कक्षा परियोजना को लागू किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार पर अर्थशूट प्राइस की शुरुआत की है? तो ब्रिटेन देश के प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार पर अर्थशूट प्राइस की शुरुआत की है। इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो ब्रिटेन देश के प्रिंस विलियम्स ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अर्थशूट प्राइस की शुरुआत की है। पहली 5 अर्थशूट प्राइस किस किस को दी जाएंगी? तो प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना, स्वच्छ हवा, महासागरों को पुनर्जीवित करना, कचरे में कमी, जलवायु परिवर्तन कैटेगरी के अंतर्गत दिए जाएंगे। और इस पुरस्कार के तहत अगले 10 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष £1 बिलियन के 5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबा साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया है। इनके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा पर आधारित शीर्षक देवेचवा करानी, और देवेचवा करानी का अर्थ क्या है, एक नेक काम करने के लिए जीवन समर्पित करना, और इसका विमोचन किया है। डॉक्टर बाबा साहेब विखे पाटिल प्रवर रूरल एजुकेशनल सोसाइटी ने इस पुस्तक का नामांकन किया है, और इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता को विश्व स्तर की शिक्षा प्रदान करना और बालिकाओं को सशक्त बनाना है। और इस सोसाइटी की शुरुआत, प्रवल रूरल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1964 में अहमदाबाद जिले के लोनी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल नॉन वॉयलेट फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसको मिला है? तो निक्की नेगी को ग्लोबल नॉन वॉयलेट फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की रहने वाली 22 वर्षीय निक्की ने ग्लोबल नॉन वॉयलेट फिल्म समारोह कनाडा 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। नेगी ने शॉर्ट फिल्म लेमिटेलियो में निभाए नेत्रहीन लड़की के किरदार से ग्लोबल नॉन वॉयलेट फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, और इस फिल्म समारोह में पूरे विश्व से सिर्फ 30 शॉर्ट फिल्मों का चयन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो पाकिस्तान देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है? तो हाल ही में बांग्लादेश ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड देने की सजा का फैसला किया है। अगर कोई भी लड़का किसी लड़की का रेप करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत के किस राज्य की बच्ची
सानवी एम प्राजित ने एक घंटे में 33 डिशेज बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो हाल ही में केरल राज्य की बच्ची सानवी एम प्राजित ने एक घंटे में 33 डिशेज बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। उसने कौन कौन सी डिशेज बताई हैं तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। भारत के केरल राज्य की सानवी एम प्राजित ने एक घंटे से भी कम समय में सबसे कम उम्र की बच्ची द्वारा 33 डिशेज बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसके लिए इसका नाम एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया है। केरल के एर्नाकुलम की सानवी एम प्राजित ने इटली, फेफड़, कॉर्न, फिटर्स, मशरूम टिक्का, उत्पम इत्यादि डिशेज बनाई हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने फ्रेंड्स साथ भी शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।